हम लोग बर्दाश्त करने वाले। और गरियाबंद से बड़ी खबर है, गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। महिला कमांडो पर हमला करने वालों पर कार्रवाई हुई है। मारपीट के मामले में 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। गांव में शराबियों को रोकने घूम रही थी महिला कमांडो, शराब माफिया के गुर्गों ने इन पर हमला बोल दिया था। और कमांड आपको बता दें, न्यूज 18 पर खबर चलने पर हरकत में आया है प्रशासन। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो बड़ी खबर गरियाबंद से है, जहां महिला कमांडो पर हमला करने वालों पर कार्रवाई हुई है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। गरियाबंद में आरोपियों पर हमला करने वालों पर एक्शन लेने की तैयारी है। मारपीट के मामले में 6 लोगों पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। शेख इमरान न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शेख इमरान, न्यूज 18 ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी, अब एक्शन हो रहा है, क्या क्या कार्रवाई हुई अभी तक? जी प्रशांत जी, एक बड़ी कार्रवाई जो है पुलिस ने अब की है। महिला कमांडो पर हमला करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है और इस पूरे मामले में अब करीब 10 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम भेंड्री में रोज की तरह जब महिला कमांडो की महिलाएं शराबियों को वहाँ निगरानी रखने के लिए जब गई तो उनके ऊपर मारपीट कर दिए और गांव में शराबियों को रोकने घूम रही महिलाओं पर ये वीडियो सामने आया मारपीट का, जिसके बाद पुलिस अब इसमें एक्शन लिया है। और न्यूज 18 ने बड़ी प्रमुखता के साथ खबर दिखाई, जिसके बाद अब 10 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है। मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है और महिला कमांडो ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि जो लोग हमला किए हैं वो गांव में अवैध तरीके से शराब बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस तमाम लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई के लिए बढ़ी है। जी प्रशांत जी, चलिए शुक्रिया शेख इमरान आपका इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर दुर्ग से है, जहां झमाझम बारिश